जनपद संभल में भी एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने युवती को भाभी के घर पर बुलाकर उसके साथ तमंचे के नोक पर पहले तो दुष्कर्म किया, इतना ही नहीं युवक ने दुष्कर्म का वीडियो बनाकर फिर उसे इंटरनेट पर सार्वजनिक करने की धमकी देकर 1.5 माह तक युवती का शारीरिक शोषण भी किया। इसके बाद परेशान होकर युवती ने युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को फिलहाल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बहजोई थाना इलाके के मोहल्ला निवासी युवती को मोहल्ले का ही एक युवक विष्णु ने 1.5 माह पहले किसी काम का बहाना बनाकर भाभी के घर पर बुलाया था। आरोप है कि जब युवती वहां पहुंची तो युवक ने तमंचा दिखाकर उसे धमकाया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते समय उसकी वीडियो क्लिप तक बना ली और युवती की शिकायत करने की बात कहने पर इस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी देते हुए कहा कि अगर शिकायत की तो इस वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। इसी का डर दिखाकर वह युवक युवती का 1.5 माह तक शोषण करता रहा। 1.5 माह तक शारीरिक शोषण झेलने के बाद जब युवती ने आप बीती परिजनों को बताई तो परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ कार्यवाही के लिए युवती को कहा, जिसके बाद युवती ने हिम्मत जुटाकर थाने में आरोपी युवक के खिलाफ घटना की शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज करते हुए तुरंत ही जेल भेज दिया। बेटा आपके साथ क्या घटना घटी आपके साथ? ये मेरे घर पे आए थे, इन्होंने कहा था कि बिलाव सुलवाना है, भाभी घर पे बुला रहे हैं। मैं घर पर गई थी इनके घर पे, तो इनने एकदम किवाड़ लगा ली, मैं भाभी कहते कहते अंदर चली गई, इनने अंदर से गेट लगा लिया। फिर इनने तमंचे दिखाया था मुझे, तमंचे दिखाकर मेरे साथ में बदतमीजी की थी, बदतमीजी करके इनने मोबाइल में फोटो खींच लिया। तमंचे किसने खींची मोबाइल में फोटो? उस लड़के ने। क्या नाम है लड़के का? आकाश शर्मा, आकाश यादव। अच्छा, और फिर क्या किया? फोटो खींच के उसने तमंचे दिखा कर मुझे धमकी दी थी कि तू अपने घर में किसी को बताएगी, तेरे भाई को तेरे पापा को खत्म कर दूंगा। मैंने घर में किसी को बताई नहीं बेइज्जती की वजह से। और इसने फिर कुछ दिन बाद इसने बोला, बुलाने की कोशिश की थी इसने मुझे, मैंने इससे लौट के जवाब दिया। फिर इसने मुझसे कहा था, मैंने इससे लौट के जवाब दिया इसने, मैंने फिर ये बोला कि तेरे फोटो नेट पे डाल दूंगा, इसने नेट पे डाल दिया। आपके फोटो नेट पे डाल दिए? हाँ। वो है किसी के पास? वही। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे का कहना है कि आरोपी युवक विष्णु के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेज दिया गया है। युवती के साथ दुष्कर्म का मामला था, क्या है? ये बहजोई थाने में एक अभियोग 429 बटे 17 दर्ज हुआ है, जिसमें अंतर्गत धारा 376 3/4 पोस्को एक्ट, इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा गया उसको, और इसमें विवेचना करके साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की।